वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स, जैसे कि इससे पिछले वीडियो में जिसमें कि हमने वेटेड एग्रीगेटिव जो मेथड पढ़ा था उसमें हम ये कर रहे थे कि जो हमारे पास प्राइस थी उसको हम वेट दे रहे थे क्वांटिटी के साथ, लेकिन अब हम इस मेथड में क्या करेंगे कि हम जो प्राइस रिलेटिव है, ठीक है, इसको वेट देंगे टोटल वैल्यू ऑफ कमोडिटीज ऑफ मतलब जो हमारे पास आ रही हैं। अब इसमें मतलब हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है, यानी वो मेथड्स चूंकि उसमें हम डिफरेंट वेट्स यूज करें इसलिए हम उनको डिफरेंट मेथड्स का नाम दे रहे हैं। जैसे इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल में अगर बात करूं तो ये लेस्पियर्स का मेथड आता है, ठीक है। अब इन्होंने इंडेक्स नंबर को फाइंड करने के लिए क्या किया है कि इन्होंने जो प्राइस रिलेटिव है इसको वेट दे रहे हैं टोटल वैल्यू ऑफ द कमोडिटीज ऑफ बेस ईयर के साथ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये पी नॉट क्यू नॉट ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली ये वैल्यू ऑफ द कमोडिटी है फॉर बेस ईयर, ठीक है। इसी तरह अगर पालग्रेव्स की बात करूं मैं तो इसमें ये क्या कर रहे हैं कि जी ये जो हमारे पास ये प्राइस रिलेटिव है इसको वेट दे रहे हैं टोटल वैल्यू ऑफ द ऑल कमोडिटीज, ठीक है, ऑफ करंट ईयर, ठीक है। ये P1 और Q1 जो प्रोडक्ट है ये टोटल वैल्यू ऑफ कमोडिटी करंट ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट ईयर, ठीक है। जबकि जो पाशीज हैं इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो प्राइस रिलेटिव है इसको वेट दिया है टोटल वैल्यू ऑफ द कमोडिटीज ऑफ करंट ईयर एट बेस ईयर प्राइस, ठीक है, यानी पी नॉट मीन के जो प्राइस ले रहे हैं वो बेस ईयर की ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स हैं ये हासिल हो जाते हैं। अब इसका हमें क्या एडवांटेज है, इसकी क्या एप्लीकेशन है, मतलब जैसे अगर अमूमन हम इसको साल के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, लेकिन इसे हम वीकली बेसिस के लिए या मंथली बेसिस के लिए भी चेक कर सकते हैं। जैसे एक पर्सन है, ठीक है, वो बड़ा इंटरेस्ट लेता है अपने बिजनेस में और देखना चाहता है कि आया कि उसके बिजनेस में जो चीज़ें परचेज हो रही हैं, सेल हो रही हैं, अब फ्लक्चुएशन आती है प्राइसेस में, तो क्या उसको फायदा हो रहा है क्या या नुकसान हो रहा है, या वो क्या प्रिडिक्ट कर सकता है, यानी फ्यूचर के लिए फॉरकास्टिंग के लिए जो मतलब अगर उसने कोई डिसीजन लेना है तो वो इस मेथड से बड़े आसानी से ले सकता है, ठीक है, और एक ट्रेंड हासिल कर सकता है, उसको पता चल सकता है कि नेक्स्ट मतलब कितनी की सेल हो सकती है, ठीक है। तो इस लिहाज से हम इसकी जो वेटेड मतलब जो इंडेक्स नंबर्स है उसकी एप्लीकेशन को समझ सकते हैं, ठीक है जी। अब जो एक हमारी डेली लाइफ की सिचुएशन है वो भी मैं आपसे स्क्रीन पर शेयर करता हूँ, और फिर हम जो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं वेटेड एवरेज और रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स के, उस इन मेथड्स को उस सिचुएशन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। चलें सिचुएशन हम कुछ हिस्सा से बना लेते हैं कि कोई पर्सन है अली, ठीक है, जो कि एक अपने कोई कंपनी के लिहाज से देखना चाह रहे हैं प्राइसेस को कि कितनी उनमें चेंज आई है, मतलब कि एक करंट ईयर जो ले रहे हैं वो 2015 ले रहे हैं और बेस ईयर रख रहे हैं वो 2005 के, 2015 में जो चीज़ मिल रही है आज, ठीक है, वो 5 में कितनी थी, कितने परसेंट उसमें इंक्रीज आ चुका है, ठीक है, इस तरह से वो देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए मतलब अगर फर्ज करें वो लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर को फाइंड करना चाहते हैं तो ये तमाम जो इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं इनकी वैल्यूज हमें चाहिए होंगी, इन वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए होंगी हमें, ठीक है। जैसे कमोडिटीज में या क्वांटिटीज जो हम ले रहे हैं यहाँ पर जो टाइप ले रहे हैं वो उसमें मीट है, पोल्ट्री और फिश वगैरह, ठीक है। इसकी प्राइस आप समझ लें कि ये फर्ज कर लें हम एक नंबर मैंने वैसे एक समझाने के लिए इजी से लिए हैं आपको ताकि आप बात समझ सकें, ठीक है, प्राइस पर केजी भी समझ सकते हो, ये क्वांटिटीज हैं जो कि उस टाइम परचेज की मतलब की गई थी, ठीक है, परचेज की गई थी। जैसे 2005 में मीट जो है उसकी क्वांटिटी अगर फर्ज करें केजी में बात करता हूँ मैं तो ये 9675 केजी परचेज किया गया था, ठीक है, इसका पोल्ट्री वगैरह और फिश की भी क्वांटिटी लिखी हुई है। तो इस लिहाज से अब हम अपनी इस कैलकुलेशन के लिए मैंने एक टेबल भी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रखा है, इसमें तमाम वैल्यूज और उनका सम भी अवेलेबल है, ठीक है, हमने सिर्फ इनको इधर से देखना और फार्मूला में दर्ज करना, बल्कि ये भी कैलकुलेशन मैंने आपके लिए कर दिया, आपने इसको खुद करना है सॉल्व। इससे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 106.2, यानी हम ये असूम करते हैं कि अगर बेस ईयर में जो प्राइस है वो 100 थी, ठीक है, अगर मैं परसेंटेज के वाले से बात करूं तो 100% को हम 1 कहते हैं, ठीक है, तो अब ये इंक्रीज होके 106.2% होगी, यानी कि कितना इंक्रीज आया है, 6.2%, ठीक है, अगर मैं परसेंटेज में बात करूं, ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे इंडेक्स कितना अप हुआ है, 6.2, ठीक है, 6.2, तो इसका मतलब कि इतनी ज्यादा मतलब जो है वो वेरिएशन नहीं आई इस प्राइस में, ठीक है, लेकिन
ये तो सिर्फ मैंने आपको बताया कि एक हम सिचुएशन देख रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट और सिचुएशंस में हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ हो, ठीक है। चूंकि हम वीकली बेसिस की भी बात मैंने की थी कि बाज़ुकात हम वीकली बेसिस के ऊपर भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, इंडेक्स नंबर्स को। खैर, यहाँ पर इस मेथड के ज़रिए जिसमें कि हम जो वेट दे रहे थे, ठीक है, प्राइस रिलेटिव को, वो टोटल वैल्यू ऑफ कमोडिटी ऑफ बेस ईयर था, तो ये आंसर आया, ठीक है। अब हम जो सेकंड हमारे पास मेथड था, अगर हम उसको देखें, जो कि मैंने आपको बताया था पाशीस इंडेक्स नंबर, तो देखते हैं अब उससे क्या हमारे पास इंडेक्स नंबर का आंसर आता है। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि पाशीस इंडेक्स नंबर में जिसमें कि हम प्राइस रिलेटिव को वेट दे रहे हैं, जो हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ कमोडिटी ऑफ करंट ईयर है, ठीक है, एट बेस ईयर प्राइस, तो ये इस तरीके से इनका जो प्रोडक्ट का सम है वो भी अवेलेबल है, ठीक है, और ये तमाम वैल्यूज अवेलेबल थी, इनको हमने टेबल से देख के दर्ज किया। आंसर आया 106.4। पहले अगर आप देखें तो आंसर आया था 106.2, यानी मामूली सा ही फर्क पड़ा है, ठीक है, मामूली सा ही फर्क पड़ा है एक मेथड से दूसरे मेथड में, काफी क्लोज रिजल्ट आ रहे हो। इससे हमें पता चला है कि इंडेक्स इंक्रीज ही हुआ है, ठीक है, और कितने कितना इंक्रीज हुआ अगर देखा देखा जाए परसेंटेज में, तो 6.4% जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कि इसमें भी सेम हमें जो ट्रेंड है नजर आ रहा है कि जो प्राइसेस हैं वो बढ़ी हैं, इंक्रीज हुई हैं, ठीक है। अब इसी तरह पालग्रेव जो मेथड है उसके जरिए भी देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास इंडेक्स नंबर जो है वो आता है। जी, इसी तरीके से अगर हम पालग्रेव्स जो है पालग्रेव्स इंडेक्स नंबर्स को अगर हम देखें, तो इसमें जो हमने जो हमारे पास प्राइस रिलेटिव था, इसको हमने वेट दिया था टोटल वैल्यू ऑफ द कमोडिटीज ऑफ करंट ईयर, ठीक है, तो इससे आंसर हमारा आया 106.5, यानी इधर भी पता चला है कि 6.5% ही जो इंडेक्स नंबर में इंक्रीज आया है, ठीक है। तो कहने का मकसद कि तमाम में जो मामूली मामूली सा फर्क हम देख रहे हैं, ठीक है, वो हमें नजर आता है, ठीक है जी। और इससे मतलब जो मैंने आपको बताया कि इसकी एप्लीकेशन के लिहाज से, कि हम अपने बिजनेस के हवाले से अगर देख रहे हैं या किसी और इन्वेस्टमेंट के हवाले से देख रहे हैं, तो हम डिसीजन जो है या जो प्रिडिक्शन है वो बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब एक और रियल लाइफ की सिचुएशन जो है वो अभी मैं आपसे स्क्रीन पे जो है वो शेयर करता हूँ। जी, सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि दो पर्सन अली एंड बिलाल जो कि डिफरेंट स्टोर्स जो है वो चला रहे हैं, ठीक है। अब जो बिलाल हैं वो अपने स्टोर्स पे वर्क नहीं कर रहे, ठीक है, उसने मैनेजर स्टोर मैनेजर को हायर किया, लेकिन अली को बड़ा कंसर्न अपने बिजनेस के हवाले से, क्वालिटी ऑफ प्राइसेस के हवाले से, जो कि वो पे कर रहे हैं मीट्स के लिए, पोल्ट्री के लिए, फिश के लिए, तो वो उन्हें चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तमाम, आप देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर बताया कि फ्रॉम कंप्लीट डेटा गैदर्ड इन 2013 अली नोज डैट इन दैट ईयर क्वालिटीज टोटल डॉलर वैल्यू ऑफ परचेज एवरेज 50% फॉर मीट, 30% फॉर पोल्ट्री एंड 20% फॉर फिश, ठीक है। इसमें जो वेट वो ले रहे हैं वो बेसिकली परसेंटेज में ले रहे हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से ये इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल थी, और अब उसकी बेस के ऊपर मतलब प्रीवियस ईयर के जो डेटा पिक किया है, और करंट ईयर को अगर फर्ज कर 2016 की वो बात करते हैं, तो ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि कितनी के मतलब वैल्यू होगी, या कितना आप ये समझ लें कि हम कहते हैं कितने परसेंट इंक्रीज हुई है वैल्यू में, प्राइसेस में, ठीक है। ये जो चार्ट है आपके पास अवेलेबल है, इसमें फार्मूला भी मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मतलब कहने का मकसद कि हम इस जो इंफॉर्मेशन है इसको इस चार्ट में भी देख सकते हैं, एक अरेंज्ड फॉर्म में। इस तरह डिफरेंट और भी रियल लाइफ की सिचुएशन है जिनमें कि हम जो ये इंडेक्स नंबर का जो कंसेप्ट है वो हम यूज़ कर सकते हैं, ख़ास तौर पर जो कि अभी हम जिस मेथड को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारा खास मेथड है जी, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स प्राइस इंडेक्स नंबर्स का कंसेप्ट।